क्या नाम है आपका? आप ड्यूटी पे हैं ना? हम आए तो उसमें हमारी क्या गलती है? अरे ठीक है महाराज, क्या नाम है आपका? आप ड्यूटी पीरियड पे हैं ना, तो आप तो बता ही सकते हैं क्या नाम है आपका, क्या यहाँ क्या ड्यूटी करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड है। किस डॉक्टर की ड्यूटी है? दीपक तिवारी। 3 बज रहा है, 3 बजे रात में देखा जाए कि डॉक्टर आपके ड्यूटी में नहीं है। कहाँ हैं डॉक्टर साहब आपके? डॉक्टर साहब कहाँ हैं इस समय? ड्यूटी है, 3 बज रहा है, आए हैं बच्चे को लेकर। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? नहीं नहीं कहाँ गए? नहीं नहीं डॉक्टर से बात कराए, आपने कहा है कि डॉक्टर साहब घर पर हैं, तो ये बताइए सरकार उनको घर पर देती है? हाँ तो डॉक्टर साहब से हमने कहा तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसने इतने के लिए जिला अस्पताल ले जाइए। तो ये बताइए यहाँ पर मतलब खिलवाड़ बना है आप लोग? अगर बच्चे के डॉक्टर हैं कि जरूरी 28 दिन में 3 बजे रात में कोई आ रहा है तो बिना देखे ही वे एडवाइस दे देंगे? नहीं तो डॉक्टर आपके मतलब रात में ऐसे ही कहते हैं, मतलब रात में गैप रहते हैं क्या आए दिन? अनकाल ड्यूटी पर रहते हैं, मतलब अगर कोई सीरियस बच्चा आ गया तो फिर कैसे हैंड ओवर? अभी कुछ हो जाएगा तो करेगा कोई? बुलाया जाता है, मतलब बकायदा घर पर। प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलाते हैं शायद डॉक्टर, 2:30 बजे गए हैं तो इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के ज़िला महिला अस्पताल में जो है बच्चों वाला। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इस समय नर्सियों में कोई डॉक्टर, 3 बज रहा है, उपस्थित अभी तक कोई डॉक्टर है नहीं। बताया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा डॉक्टर दीपक तिवारी है जो रात में अपना घर चले जाते हैं। वही और लोगों का भी कहना है कि जो डॉक्टर यहाँ पर पोस्टेड हैं वो लोग अस्पताल में नाइट ड्यूटी या डे हो ड्यूटी कम करते हैं और प्राइवेट अस्पताल अपना देखते हैं। ऐसे में अगर मरीज को कोई परेशानी हो तो वो अपने प्राइवेट अस्पताल ही बुला लेते हैं। अगर 3 बजे रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो अभी भी हम 3 बजे रात में यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी फ़ोन किया लेकिन दोनों मोबाइल स्विच ऑफ है। ऐसे में बच्ची है मतलब परेशान है, घबराहट ऐसे में कि क्या जिला अस्पताल हो या NICU हो, क्या 28 दिन के बच्चों के यहाँ इलाज होता है रात बिरात? अगर रात में अगर अस्पताल यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, अगर बच्चों को आखिर में कुछ हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता है?